हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री, इस सीरीज में हम सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपको टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करते हैं, और इसके आने वाली वीडियो में मैं आपको एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड ट्रेंड्स भी समझाऊंगी। अगर आपको इसके टाइप समझ में आ गए तो ट्रेंड समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स के होते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो होता है इनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। और वन बाय वन हम इन सभी टाइप्स के बारे में देखेंगे। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो होती है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। और हम इसको किस तरीके से समझेंगे हायर लेवल तक के, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। दूसरी होती है आयोनिक रेडियस, तीसरी होती है मेटालिक रेडियस, और चौथी जो होती है वो होती है आपकी वेंडरवॉल्स रेडियस। जो बच्चे क्लास 11th में आए हैं उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा नया है। उन लोगों ने इसके पहले ये वाला कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं पढ़ा है। तो हम डिटेल में समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आप इसको एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ वो आप अच्छे से नोट डाउन कर सके और साथ में ही समझ सके। अब देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। कोवेलेंट रेडियस स्टूडेंट्स क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो रेडियस होती है उसको स्पेसिफिकली हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ये कैसे बनता है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ये बनता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से, राइट। एक्सटेंट वर्ड से भी ज्यादा मैं ये वर्ड यूज करूंगी यहाँ पर। एक्सटेंट की जगह पे हम कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो होता है हमेशा से ओवरलैपिंग से, ठीक है। हम क्या देखेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी वजह से ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें अब ओवरलैपिंग कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं H का अगर बात करूं तो H में कोवेलेंट बॉन्डिंग इस तरीके से होती है, इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। अब ये हुआ हमारा H2 मॉलिक्यूल। अब देखो H2 मॉलिक्यूल में एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो इसके बीच का ये जो रहता है, इसके बीच का जो हाफ डिस्टेंस रहेगा उसे कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि कोवेलेंट रेडियस मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि इट इज हाफ ऑफ the intermolecular distance, half of the intermolecular distance between two singly bonded electron, उसे कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल की अगर आपको कोवेलेंट रेडियस निकालना है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको H2 मॉलिक्यूल कह सकती हूँ, या सिंपल हम कहेंगे कि ये जो मैंने एग्जाम्पल जो यहाँ पर आपको दिया है ये आपका AA मॉलिक्यूल है, या ठीक है AA मॉलिक्यूल हुआ। अब AA मॉलिक्यूल का अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो कैसे निकालते हैं। अगर मुझे इसका निकालना है कोवेलेंट रेडियस तो मैं ये कहूंगी कि कोवेलेंट रेडियस मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस, डी मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, उसका हाफ चाहिए, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये R1 और ये हो जाएगा R2, मतलब R1 प्लस R2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है A की तो मैं कहूंगी R1 प्लस R2 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, हम एग्जांपल के साथ में इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल है, और मैंने बता दिया कि इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो है 1.98 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब मुझे इसका रेडियस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, रेडियस जो अगर Cl2 मॉलिक्यूल का मुझे निकालना है तो मैं कहूंगी जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.99 एमस्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, आपको कोई भी एग्जांपल दे देंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस दे देंगे, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बेटा हम मेमोराइज नहीं करते हैं, हम हमेशा से क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो आप आई होप आपको कोवेलेंट रेडियस समझ में आ गई, हमने कौन कौन से पॉइंट्स इसमें पढ़े। सबसे पहले तो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, उसके बाद में हमने इसकी डेफिनेशन देखी, एग्जाम्पल देखा है। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट जो रहेगा हमारा, वो है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, अब आयोनिक रेडियस मतलब क्या, हम आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, और आयंस तो दो टाइप के आयंस होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, एक होता है कैटायंस, तो इसीलिए उसकी रेडियस को हम कहेंगे कैटायनिक रेडियस, उसकी रेडियस को हम क्या कहते हैं, कैटायनिक रेडियस कहते हैं। और दूसरा जो रहेगा वो होगा एनायनिक रेडियस, मतलब जो एनायन की रेडियस रहेगी उसको हम कहेंगे एनायनिक रेडियस। अब देखो इसमें हम अभी पहले पढ़ लेते हैं, जैसे देखो अगर हमारे पास में Na प्लस है और एक है हमारे पास में सोडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 28। अब देखो हम ये कहते हैं कि कैटायनिक रेडियस जो रहती है, कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, कैटायनिक रेडियस जो रहती है पेरेंट एटम से हमेशा से छोटी ही रहती है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखो दोनों सोडियम के पास में 11 प्रोटॉन है, इसके पास में भी 11 प्रोटॉन है। अब देखो यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो होल्ड बहुत टाइटली करेंगे, जिसकी वजह से इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर्ड टू दिस एटम। ठीक है, तो इस अब देखो, तो हमने क्या कहा, अगर हम रेडियस की बात करें तो हम इनकी बात कर रहे हैं, मतलब हम कहेंगे कि इसकी जो रेडियस रहेगी ये कम रहेगी एज कंपेयर्ड टू सोडियम। ठीक है, मतलब ये R प्लस की रेडियस हम कह सकते हैं, और ये नॉर्मल R हो गया। ठीक है, अब देखो एनायनिक रेडियस क्या होता है, एनायनिक रेडियस मतलब अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl और मैं Cl नेगेटिव की बात कर लेती हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288। अब आप देखोगे कि यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है जो 17 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है, 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा कि इसका साइज जो रहेगा हमेशा से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि वो जो प्रोटॉन जो है उतना टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो पेरेंट एटम से ये नेगेटिव का हमेशा से ही ज्यादा रहेगा, ये आपको याद रखना है बेटा। क्यों, क्योंकि उनमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, और ये रिपल्शन बढ़ रहा है इसलिए प्रोटॉन उनके ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, उसको आप कलर्ड पेन से भी हाईलाइट करके रखते हैं। अब हम कहेंगे कि साइज ऑफ कैटायन जो होता है ना, साइज ऑफ कैटायन हम कहते हैं कि साइज ऑफ कैटायन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या फिर हम इसको जेड इफेक्टिव भी कह सकते हैं। मैंने अपनी पहली क्लास में एक क्लास में मैंने आपको समझाया है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे इसको, जेड इफेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि अब बता दियो, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, है ना, एग्जाम्पल देख लो क्या होता है इस चीज का। अब अगर हमारे पास में क्या है, एक आयरन है, ठीक है, आयरन का ही Fe2+ है और इसका बाद में Fe3+ है। ठीक है, अब देखो इनमें से आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ा साइज किसका है, हु इज हैविंग द लार्जर साइज, है ना। तो लार्जर साइज हम पता कैसे करेंगे, आप सबसे पहले देखो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर दो पॉजिटिव है, इसके ऊपर तीन पॉजिटिव है। ठीक है, तो जिसके ऊपर तीन पॉजिटिव है मतलब वो और भी छोटा साइज रहेगा, उसका क्या होगा, छोटा साइज रहेगा, क्योंकि वो और श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका Fe2+ का, थोड़ा सा बड़ा होगा, और Fe का जो है वो उससे भी बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं एनायन की बात करूं,
ना, एनायन की जब हम बात करते हैं, एनायन में स्पेसिफिकली जैसे हमने सीएल और सीएल निगेटिव की तो बात यहाँ पर करी ली है, अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ओ निगेटिव की और ओ टू निगेटिव की, तो देखो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर लार्जर साइज, लार्जर साइज। तो जैसे हमें पता है कि ये इसका तो कमी होता है तो ये कमी रहेगा, उसके बाद में एक निगेटिव चार्ज है तो बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद में जिसके ऊपर ज्यादा निगेटिव चार्ज है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट की बात करनी है बेटा, वो कॉन्सेप्ट काफी जरूरी है, समझिए जरा आप उसको, कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है समझो इसको। ये है हमारा कॉन्सेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन सी है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब होता है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे? देखो एफ निगेटिव, उसके बाद में एन ई, उसके बाद में आपको हम ले लेंगे यहाँ पे एम जी प्लस टू, यहाँ पे हम ले लेंगे ए एल प्लस थ्री, ठीक है, और थ्री प्लस भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे आप ले सकते हो ओ टू निगेटिव। तो ये जो दिया है इन सब में जब आप देखोगे तो कितने हैं इनके सबके पास में? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब अगर आपको इनको करना है, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक साइज, छोटे से बड़े साइज में अगर आपको इसको अरेंज करना है तो क्या करेंगे? फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट रहेगा जेड बाय ई रेशियो। चलिए समझते हैं अब ये जेड बाय ई रेशियो क्या होता है। जेड बाय ई रेशियो क्या होता है कि जैसे अगर मैं ओ टू निगेटिव के लिए अगर मैं निकालू तो इसका इसका जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। इसका भी कितना होता है? 10 होता है, इसके इसमें इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। ये कितना होता है? 12, इसमें इलेक्ट्रॉन 10। इसका कितना होता है ये मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और इसका कितना होता है? 13 डिवाइडेड बाय 10। अब इसकी वैल्यूज निकालो, वैल्यूज यहाँ पे 0.8 आएगी, 0.9 आएगी, उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा, ये 1.2 आएगा, 1.3। अब हम कहते हैं कि ये साइज से कैसे रहेगा, जेड बाय ई रेशियो ना, जेड बाय ई रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब है जिसका सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा रेशियो की वैल्यू उसका सबसे छोटा साइज रहेगा, क्या रहेगा? सबसे छोटा साइज रहेगा, और जिसकी सबसे कम वैल्यू उसका सबसे बड़ा साइज रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? इसका लार्जर साइज। तो फिर आप आराम से इसको अरेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेटा। बहुत मेहनत से हम आपको कोई भी चीज पढ़ाते और अगर आप उस चीज को रिप्लाई नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं वो आपको क्लैरिटी के साथ में समझ में आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए अब हमने यहां तक देख लिया, अब हम इसका नेक्स्ट टॉक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट देखते हैं, और वो है हमारा मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस क्या होता है समझो इसको। मेटालिक रेडियस मतलब होता है कि लास्ट में हम इन तीनों रेडियस का भी एक साथ करने वाले हैं, है ना। मेटालिक रेडियस मतलब का होता है कि हम कहेंगे कि जो टू एडजेसेंट मेटल जो होते हैं, टू एडजेसेंट मेटालिक एटम्स, तो उनके बीच में जो रहता है ना, मेटालिक एटम्स इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर में वर्ड यूज कर सकती हूँ। लैटिस मतलब होता है कि जब उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? अब देखो अगर कोई मेटल है और वो अरेंज्ड है तो उनके दोनों के बीच में, और ये तो हम हमेशा हम कहते ही है कि ये क्या होता है, मेटालिक रेडियस मतलब क्या हुआ, इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन
टू एडजेसेंट एटम, मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा बन जाएगा। इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटालिक एटम्स इन अ क्रिस्टलाइन सर्कल, और यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं रहती है, नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये आप चीज याद रखिएगा, ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक। अब देखो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मेटालिक रेडियस रहेगी, कौन सी मेटालिक रेडियस, ये मेटालिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा तो वहां पर उसका साइज क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट के नेक्स्ट उसमें ऊपर, अब वो है हमारा वेंडर वॉल्स रेडियस, ठीक है। वेंडर वॉल्स रेडियस मतलब क्या होता है, देखो वेंडर वॉल्स रेडियस, वैसे ये काफी इजी सा है, आप इसको आराम से समझ लोगे। वेंडर वॉल्स रेडियस जो होता है कि जो बिल्कुल एडजेसेंट एटम के रहता है, जिनके बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, वो हो गया आपका वेंडर वॉल्स रेडियस, ठीक है। जैसे कि इनर्ट गैसेस में, हम कहेंगे इनर्ट गैसेस जो रहती है हमारे, इनर्ट गैसेस में हमेशा से वेंडर वॉल्स रेडियस ही रहती है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमें डिफाइन करने के लिए बोला तो हम ये कहेंगे हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, देखो हाफ तो अपन सब में ही ले रहे हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, बिटवीन the nuclei of adjacent nuclei of adjacent atoms in solid state, adjacent atoms in solid state of a noble gas, of a noble gas, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो यहाँ पे क्या हुआ नोबल गैस में, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अगर हीलियम के ये एटम है, हीलियम का ये एटम है, ये कौन से हीलियम एटम, हीलियम एटम, तो इन दोनों के सेंटर के बीच का जो हाफ डिस्टेंस रहेगा उसे कहा जाता है वेंडर वॉल्स रेडियस, क्या कहते हैं हम इसको, वेंडर वॉल्स रेडियस, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी। तो जो भी हम कहेंगे इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स Both covalent and van der Waals radius may exist. इसमें exist हो सकते हैं। और finally जो हमारा key concept है वो है कि जो हमारी van der Waals radius जो होती है, ठीक है, van der Waals radius, van der Waals radius जो रहती है ये सबसे ज्यादा रहती है, ये सबसे बड़ी रहती है, उसके बाद में हमारी आती है मेटालिक रेडियस, ये मेटालिक रेडियस, और फिर उसके बाद में आएगी आपकी कोवेलेंट रेडियस, कौन सी आएगी, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम याद रख सकते हैं, और वो जो होती है कि जो van der Waals रेडियस होती है, ठीक है, van der Waals रेडियस जो होती है, ये van der Waals रेडियस हमेशा से 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस, जनरली इसी से हम उसको निकाल पाएंगे कि कितनी कोवेलेंट रेडियस है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने देख लिया है हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हमने देखा। ये डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री का ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो चुका है, क्योंकि और उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और आई होप आप जब ये वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से देखेंगे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, और या फिर आप इसके क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चंस ही होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।